तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल SMII पे। और दोस्तों, इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते हैं, आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में फिर एक बार बात कर लेते हैं कंफर्ट इंटेक के स्टॉक की, क्योंकि इस स्टॉक में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई है। 2.17% की रैली के साथ ये जो स्टॉक है अब 4.70 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो आइए इसके फंडामेंटल वैल्यूएशंस फिर एक बार ध्यान से चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इस कंपनी के क्या सपोर्ट लेवल और क्या रेजिस्टेंस लेवल ले सकते हैं और अब आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, बाई सेल या होल्ड। तो आइए सारे डिटेल इसके एक एक करके चेक करेंगे, एंड तक जरूर हमारे वीडियो के साथ बने रहें। नए आए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी कर दें, आगे शेयर जरूर कर दें। दोस्तों, अब इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 147 करोड़ हो चुका है। पीई मल्टीपल्स देखो 16 के राउंड है, जबकि इंडस्ट्री की पीई रेशो अभी भी बहुत हाई दिख रही है, 62 के राउंड है। और ये आप देख सकते हो इंडस्ट्री के मुकाबले अभी भी ये जो स्टॉक है सस्ता है, बहुत ही बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है। इवन प्राइस टू बुक रेशो देखोगे तो वो भी 1 के अराउंड ही है, मतलब करंटली ये जो स्टॉक है अपनी फेयर वैल्यू के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। और डेब टू इक्विटी रेशो भी नियरली निल है, ऊपर से आरओई परसेंटेज नियरली 6.68% के राउंड चल रही है। तो फंडामेंटल्स वैल्यूएशंस में कोई भी दिक्कत अभी दिख नहीं रही है, तो इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया ट्रेंड्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। यदि इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट देखें तो हम प्रॉफिट का डाटा ही सीधा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जून 2023 में कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ हो गई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी लॉस से निकल कर प्रॉफिट में आ गई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखो, पहले इसका जो लास्ट 1 ईयर का चार्ट पैटर्न है उसको ध्यान से स्टडी करो। जून 2020 के कंपैरेटिवली सितंबर 2022 में कंपनी के प्रॉफिट में बहुत ही बड़ा जंप देखने के लिए मिला, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली कंपनी में दिक्कतें बढ़ती गई और कंपनी प्रॉफिट से निकलकर लॉस में चली गई। और मार्च 2023 में कंपनी 1.13 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन अब आप देख सकते हो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और जून 2023 में कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमा लिया है। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि कंपनी का बिजनेस रिकवर कर रहा है, कंपनी की अर्निंग रिकवर कर रही है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी स्टॉक हो, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, यदि उसकी अर्निंग ग्रो होंगी तभी वो स्टॉक जो है आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अभी भी जो प्रमोटर्स हैं उनके पास एक बहुत ही बड़ा स्टेक है और प्रमोटर अपना स्टेक चेंज नहीं कर रहे हैं, ये सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इवन जो FIIs हैं वो भी इस स्टॉक में पैसा लगाते दिखाई दे रहे हैं। FIIs की होल्डिंग मार्च के कंपैरेटिवली थोड़ी कम जरूर हुई है, यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2023 में FIIs के पास 1.49% का स्टेक था, जबकि जून 2023 में आप देख सकते हो उसका स्टेक जो है वो रिड्यूस हो गया है। क्योंकि दोस्तों, बड़े बड़े जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो तभी पैसा लगाते हैं जब कंपनी की अर्निंग ग्रो करती है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 2-3 क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग में बड़ा डाउनफॉल आया था, लेकिन अब रिकवरी है। तो इसलिए आने वाले टाइम में जरूर जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना स्टेक राइज करते दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि कंपनी का बिजनेस देखो, ये इंडिया बेस्ड कंपनी है और डिफरेंट टाइप के जो ट्रेडिंग गुड्स हैं, फैंस है, फैब्रिक्स है, उनकी ट्रेडिंग का काम करती है, मैकेनिकल कंपोनेंट्स की जो है वो ट्रेडिंग करती है ऑन द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। क्योंकि दोस्तों, आजकल जो है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का ज़माना है, जो भी कंपनीज हैं वो अपना माल जो है वो ई कॉमर्स के थ्रू ही बेचती हैं, ऑनलाइन जो है वो सप्लाई करती हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल ऑनलाइन ही ऑर्डर आता है और ऑनलाइन ही सप्लाई होती है, तो ये कंपनी डिफरेंट टाइप के जो गुड्स हैं उनको जो है वो ऑनलाइन सप्लाई करती है। एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यहाँ से ये कंपनी ऑपरेट करती है, ट्रेडिंग करती है। तो अच्छी कंपनी है, बहुत ही वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी जो है प्रोडक्ट सप्लाई प्रोवाइड करती है। द कंपनी इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन कैरिंग ऑन द बिजनेस एज द डिस्टिलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्रोक्योरर्स, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स, एजेंट्स, ब्रोकर्स। तो कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर में भी अच्छा बिजनेस करती है। टोटल एसेट्स भी देख लेते हैं, नेटवर्थ देख लेते हैं, तो कंपनी के नेटवर्थ में स्टेबिलिटी अब जरूर आपको दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यदि नंबर्स देखें तो कंपनी का जो टोटल एसेट्स हैं वो ग्रो ही होता दिखाई दे रहा है फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स 2020, 2021, 2022, 2023 कंपनी के एसेट्स जो हैं
कंपनी का नेटवर्थ जो है वो बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। ये भी एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आइए अब इस स्टॉक की टेक्निकल इंडिकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो लास्ट वन मंथ का चार्ट पैटर्न आपके सामने अवेलेबल है। पहले इस स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी, अच्छा मोमेंटम बनता दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही ये स्टॉक 5 के लेवल को क्रॉस किया इसमें गिरावट शुरू हो गई। अब ये जो स्टॉक है एक रेंज बाउंड काम करता दिखाई दे रहा है। 4.50 के अराउंड इसका एक सपोर्ट लेवल है, जबकि 4.80 के अराउंड एक रेजिस्टेंस लेवल है। इन लेवल्स के बीच में जो है स्टॉक आजकल ट्रेड कर रहा है और इन लेवल्स को जो है ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ये इसका पहले वाला चार्ट पैटर्न, पहले बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे जैसे ही ये स्टॉक 5 से ऊपर गया इसमें गिरावट आ गई। अब ये जो स्टॉक है विद इन सम लेवल्स कंसोलिडेट करना शुरू कर चुका है। जैसे हमने आपको बताया है लोअर लेवल पे 4.50 का लेवल एक इसका सपोर्ट जोन है, जबकि हायर लेवल पे 4.80 के अराउंड एक इसका रेजिस्टेंस जोन है। तो गिरावट रैली ये जो स्टॉक है इन्हीं लेवल्स के बीच में कंसोलिडेट करता दिखाई दे रहा है। तो जितनी देर तक ये स्टॉक इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है तब तक कोई बड़ी चेंज इसकी स्टॉक की प्राइस में नहीं देखने को मिलेगी। हाँ, यदि ये स्टॉक इन लेवल्स को ब्रेक कर देता है, लोअर लेवल पे 450 के अराउंड आपने फोकस करना है, क्योंकि यदि 450 का लेवल टूटता है तो फिर बड़ा डाउनफॉल भी आ सकता है। लेकिन हायर लेवल पर यदि ये स्टॉक 480 के लेवल को क्रॉस कर लेता है तो फिर 5+ के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अदरवाइज भी ये कंपनी लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर कंपनी है। तो जैसे आप देख सकते हो लास्ट वन ईयर का हम चार्ट पैटर्न आपको शो करेंगे, लास्ट वन ईयर में ये स्टॉक अपने निवेशकों का पैसा डबल कर चुका है। तो यहाँ पे देखो ये क्या करता है, जब रैली होती है फिर कुछ टाइम कंसोलिडेशन होती है, फिर रैली होती है फिर कुछ कंसोलिडेशन होती है। तो ऐसे ही इसके चार्ट में मोमेंटम बन रहा है। अभी आप इस स्टॉक में देख सकते हो कंसोलिडेशन चल रही है, सडनली इसके चार्ट में बड़ी ब्रेकआउट आ सकती है। यदि आने वाले टाइम में कंपनी के नतीजे भी पॉजिटिव रहते हैं, जहाँ कंपनी के स्टॉक में कोई पॉजिटिव ट्रिगर आ जाता है, क्योंकि अभी कोई लेटेस्ट न्यूज़ ऐसी आई नहीं है। पहले ये कंपनी मल्टीबैगर रिटर्न्स भी दे चुकी है अपने निवेशकों को, 1100% के रिटर्न्स दिए थे और साथ के साथ इसने स्टॉक स्प्लिट भी दिया था। अब ये स्टॉक कंसोलिडेशन में चल रहा है तो आने वाले टाइम में बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है। लॉन्ग टर्म वाले निवेशक इसको जो है अकमुलेट करते रहें, जितनी भी कैपेसिटी है धीरे धीरे करके एवरेज करते रहें, लॉन्ग टर्म में जरूर ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स ही बना के देगा। सो थैंक्स अगेन दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स अगेन।